सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल दोस्तों, दिस इज़ योर हितेश शर्मा एंड आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो फाइनली हमारी लेह लद्दाख ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, आप बाल हमारे देख सकते हैं। हम लगभग 100 किलोमीटर राइड करके आ चुके हैं। लगभग 4 बजे के करीब हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा अंधेरा था तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और जल्दी हम इसलिए आ गए थे दोस्तों क्योंकि मंडी में जैसे लैंडस्लाइड होते रहते हैं आगे, इसलिए वहाँ पे जाम भी काफ़ी लगा हुआ रहता है। जी हाँ, हम मनाली वाले रास्ते से जाने वाले हैं, एक रास्ता उधर से भी है आपका श्रीनगर होते हुए, तो हम जा रहे हैं मंडी वाले रास्ते से, पहले मनाली जाएंगे और वहाँ से लद्दाख जाएंगे दोस्तों। बाकी मैं आपको मिलाता हूँ इस ट्रिप में कौन कौन हमारे साथ है। तो ये रहे हमारे भाई लोग जो इस ट्रिप में हमारे साथ है, ये आप देख सकते हैं, राहुल भाई, आशीष भाई और अरुण भाई। इन लोगों को तो दोस्तों आप जानते हैं। और इस बार जो हमारे साथ नए मेंबर है वो है रजत भाई, ये है चायल से, तो इनकी गाड़ी है। एक कार ले जा रहे हैं हम और एक बाइक ले जा रहे हैं इस ट्रिप पे, और ओवरलैंडिंग करने वाले हैं, मतलब खाने पीने का सारा और टेंट वगैरह हमने सारा गाड़ी में रख रखा है, और मैं बाइक पे सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। शिमला को क्रॉस करके जस्ट हम अभी पहुँचे हैं दारला घाट, और यहाँ पे पेट्रोल वगैरह फिल करा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का ग्रुप है दोस्तों इस बार हमारा, 5 लोगों का, और रास्ता भी दोस्तों अभी काफ़ी लंबा है, तो आज शायद हम मनाली तक पहुंच जाए। तो बाकी जो बातें रहेंगी वो आपसे चलते चलते करेंगे रास्ते में। तो दोस्तों लगभग सुबह के 8 बजने वाले हैं और फॉग बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रही है, पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग है। इतनी तो दोस्तों ठीक है, अभी रोड दिख रहा है, अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई ना तो दिक्कत आ जाएगी, और भगवान से यही प्रे है कि आज बारिश ना हो, नहीं तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। मनाली तक की दिक्कत है, उससे आगे तो वेदर ठीक ही रहता है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। सो गाइस, जैसे हम हिमाचल प्रदेश में शिमला से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए हिमालयस बहुत ही नज़दीक है, मतलब आराम से 2 दिन में हम हिमालयस में पहुंच सकते हो, चाहे स्पीति हो चाहे लद्दाख हो, और अगर मौसम ने साथ दिया और परिस्थितियां हमारे हक में रही तो कल हम लद्दाख एंटर कर जाएंगे दोस्तों दूसरे ही दिन। आज हमारा जो प्लान है वो है मनाली को क्रॉस करने का, जो अटल टनल है उसको क्रॉस करके सिसु के आसपास कहीं हम अपना कैंप सेटअप करें। सो गाइस, जब आप लद्दाख जा रहे हो मनाली के रास्ते से तो आपको कुछ स्टेशनों के नाम याद रखना ज़रूरी है, जैसे बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और कुल्लू, तो ये स्टेशन्स लगेंगे बीच में। इन स्टेशनों को याद रखते हुए आप बढ़िया रोड पे चले रहोगे। सो ये रही अपने भाई लोगों की गाड़ी, ये काफ़ी पीछे रह गए थे अभी तो मुझे इनका वेट करना पड़ा आधे घंटे तक, ये दरअसल रास्ता भटक गए थे थोड़ा सा। और हम अभी है सुंदरनगर में, यहाँ से जो मंडी है वो लगभग आपका 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों अभी लगभग टाइम हो रहा है दोपहर के 11 बज रहे हैं, और अब जाके दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी वाले दोस्त हैं हमारे ये हमसे बिछड़ गए थे और कम्युनिकेशन हमारा हो नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी लंच बोल लो या ब्रेकफास्ट बोल लो, इसको हम ब्रंच ही बोलेंगे। सो गाइस, खाना हमने खा लिया है, अभी हम फंसे हैं सुंदरनगर की गलियों में जाम में, और मनाली है लगभग यहाँ से 130 के आसपास, 130 किलोमीटर के आसपास, तो लगभग 3-3.5 घंटे हमारे को लगने वाले हैं। बाकी इस बात पे डिपेंड करता है हमारे को ट्रैफिक ना मिले। बाकी रोड तो दोस्तों अब काफ़ी अच्छा बना दिया है, 4 लेन रोड है, बढ़िया, बीच बीच में बस थोड़ा सा काम रहा है, बाकी वैसे तो मैक्सिमम रोड अच्छा बन गया है। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काम चला है और धूल आप देख ही सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे रास्ते मिलेंगे, कुछ ख़राब पैचेस भी मिलेंगे। सो गाइस, अब हम टनल में एंटर कर चुके हैं, इसको बोलते हैं ऑट टनल, और ये टनल लगभग 3 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। मनाली अभी भी 60 किलोमीटर है और कुल्लू यहाँ से है 19 किलोमीटर। सो गाइस, मनाली से जस्ट 10 किलोमीटर पहले रुके हैं और यहाँ पे हमें पानी मिला है, पानी पी रहे हैं, और आप हालत पूरी देख सकते हैं, मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो अभी जस्ट पानी पीते हैं और उसके बाद मनाली चलते हैं। सो एट लास्ट गाइस, मनाली तो पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ पे मार्केट भी है मनाली की, तो मेन मार्केट जा रहे हैं मनाली की, मॉल रोड, आपको मॉल रोड भी दिखाएंगे।
और हमें वहाँ से थोड़ा सा सामान भी लेना है दोस्तों, जो मैं बता रहा था, जैसे कि GoPro की एक्सेसरीज वगैरह है। तो चलते हैं। सो गाइस, अभी हम हैं मनाली के मॉल रोड पे। हमने कैश भी निकाल लिया है क्योंकि अब हम जहाँ आगे जाने वाले हैं वहाँ पे ATM नहीं मिलेंगे, तो इसलिए कैश का होना आपके पास ज़रूरी है। बाकी जो मॉल रोड के असली नज़ारे हैं दोस्तों, वो रात के समय जब लाइटिंग वगैरह होती है तो उसी टाइम मॉल रोड को देखने का मज़ा आता है। बाकी ऐसा भी आप दिन में भी आराम से घूम सकते हो, दिन में भी काफ़ी चहल पहल रहती है मनाली मॉल रोड पे। सो गाइस, हम लगभग 2 घंटे के लिए मनाली में रुके हुए थे, 3 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और 5 बज गए अब, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जो सारा टाइम था दोस्तों, तो परमिट बनाने में लग गया। जो लेह लद्दाख का इनर लाइन परमिट है वो ऑनलाइन बनाया और उसका जो प्रिंट आउट है वो निकाला, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जैसे मतलब खाने वगैरह का सामान था उसको लेने में लग गया, ग्लोसरी वगैरह में। तो 1-2 घंटे तक हमारे यही काम चले रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों सिसू, तो सिसू में हम आज स्टे करने वाले हैं, वहीं पे ही कैंप करेंगे। तो उसके लिए हमें अटल टनल क्रॉस करनी पड़ेगी। चलिए आपको भी ले चलते हैं अब अटल टनल की तरफ। सो गाइस, इसी के साथ हम चल पड़े हैं अटल टनल की तरफ, क्योंकि वहाँ से आगे हमें सिसू जाना है जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं। तो अटल टनल की जो दूरी है मनाली से वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, और अभी लगभग टाइम हो रहा है 5:30 शाम के। अटल टनल दोस्तों यहाँ से रह गई है 21 किलोमीटर। तो हमारी कोशिश तो दोस्तों यही है कि हम रोशनी रोशनी में अटल टनल पहुँच जाए, ताकि वहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ सकें और हम आपको भी अच्छे से अटल टनल दिखा सकें। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पालसन ब्रिज पे, और यहां से जो आप राइट टर्न देख रहे हैं ये जाता है रोहतांग पास, और ये आगे सीधा जा रहा है दोस्तों अटल टनल। तो अटल टनल रोहतांग दोस्तों यहां से रह जाती है 14 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो आगे आप सामने ब्रिज देख पा रहे हैं ये है पालसन ब्रिज, पालसन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार, मजबूत और सुंदर ये ब्रिज है दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो नज़ारे बहुत खूबसूरत होने लग जाते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। तो ये रही दोस्तों सोलांग वैली, इसे बोलते हैं, ये है सोलांग। कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों पैराग्लाइडिंग भी होती है, और विंटर में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी स्नो एक्टिविटी होती है। बहुत ही बढ़िया फैक्ट दोस्तों इस जगह का ये भी है, मैक्सिमम ये देखा गया है दोस्तों जब अटल टनल को आप क्रॉस करते हैं, लाहौल वैली में एंटर करते हैं, तो वेदर क्लियर रहता है दोस्तों। और जबकि टनल के इस तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कैसी धुंध छाई हुई है, पेड़ पौधे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी है। उस तरफ जब आप जाएंगे तो पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं भी है, मतलब बहुत कम है पेड़ पौधे उस तरफ को। दोस्तों ये जो अटल टनल है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है 10,000 फीट की हाइट पर, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर है दोस्तों, और 20 से 25 मिनट इसको क्रॉस करने में लग जाते हैं। और ये रहा अटल टनल का बोर्ड। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अटल टनल में एंट्री कर ली है, और लाइट्स आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है। और दोस्तों इसमें एक मतलब इमरजेंसी टनल भी बनी हुई है, कोई अगर इसमें जैसे मतलब स्लाइड फ्लूइड आ जाए तो बाहर निकलने के लिए इसमें इमरजेंसी एग्जिट्स बने हुए हैं दोस्तों। और इसमें जो स्पीड लिमिट है दोस्तों वो है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 की स्पीड आपको इसमें मेंटेन करके रखनी होगी। इसमें आप दोस्तों ओवरटेक नहीं कर सकते। मैं तो दोस्तों पहले भी 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पर जो मेरे ये सारे दोस्त हैं ये फर्स्ट टाइम आए हैं, और इनको बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। इनको देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया, जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी इतनी खुशी हुई थी। और अगर आपको भी दोस्तों कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर विज़िट करिए एक बार अटल टनल रोहतांग। और ये जो टनल है दोस्तों ये रोहतांग पास को बाईपास करती है, मतलब जब दोस्तों ये टनल नहीं होती थी तो गाड़ियाँ रोहतांग पास से होते हुए जाती थी, तो इस टनल ने दोस्तों लगभग 40-50 किलोमीटर कम कर दिए हैं। इस टनल के बनने से दोस्तों जो लेह मनाली हाईवे है वो भी जल्दी खुल जाता है, क्योंकि सर्दियों में जैसे बर्फ़ पड़ती थी तो रोहतांग पास को साफ़ कर पाना बहुत मुश्किल काम होता था उस टाइम, क्योंकि बहुत बर्फ़ होती थी रोहतांग पास में। अब रोहतांग पास को जब बाईपास कर दिया है इस टनल ने तो जल्दी ही लेह मनाली हाईवे खुल जाता है पिछले सालों की अपेक्षा।
सो फाइनली गाइस टनल को क्रॉस करके हम टनल के नॉर्थ पोर्टल में पहुंच चुके हैं और आप यहां का वेदर देख सकते हैं। वेदर बहुत ही क्लियर है और उस तरफ मैं बता रहा था आपको पूरी धुंधी धुंध हो रखी थी और गाइस उस तरफ आप देख सकते हैं बढ़िया सनसेट हो रहा है। यह है दोस्तों चंद्रा नदी और आगे ये दोस्तों भागा नदी से मिलके चंद्रभागा बन जाती है दोस्तों। तो हमें जाना है दोस्तों उस तरफ, वो ले वाला रूट उस तरफ है और यहाँ से दोस्तों अगर आप राइट लेते हैं तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं और यही वाला रोड दोस्तों आगे गाजा भी जाता है जहाँ से आप स्पीति वैली में एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो दोस्तों हमारा स्टे है वो होने वाला है सिसु में हम कैंप लगा कर रहने वाले हैं। बढ़िया सी लोकेशन देखेंगे कैंप के लिए। सिसु यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर, तो मिलते हैं आपसे सीधा उसी लोकेशन पे। सो फाइनली गाइस सिसु तो हम पहुँच चुके हैं और अंधेरा हो चुका है। यहाँ हमने कैंप लगा लिया दोस्तों, ये रहा हमारा कैंप और इधर दोस्तों खाना बन रहा है। सो गाइस खाना वगैरह खा के अब हम आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर। तो लेट हो गए थे काफ़ी टेंट पिच करने के लिए और खाना बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो मनाली का काम था उसमें हमारे को टाइम लग गया। और दोस्तों टेंट हमने बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लगाया है जिसको हम आपको अभी अंधेरे में नहीं दिखा सकते, पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।